अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी आवाज़ काफ़ी गूंज के साथ आप लोगों के आ रही है क्योंकि यहाँ पर मेरे और रब के और याकत के भाई के अलावा कोई भी नहीं है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी परियों के वादी तक पहुँचने के लिए आपको जिन्नात की कई बस्तियाँ जो है ना उससे गुजरना होगा, तब यहाँ पहुँचना होगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पहुँचना है, नज़ारा दिखाइए भाई इर्द गिर्द का, कैसा इलाका है जी, माशाल्लाह कैंपिंग के लिए बेहतरीन, फैमिली के साथ आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो आप लोग। लेकिन जी यहाँ तक आने के लिए हमारे पूरी व्लॉग दे दीजिए। तो चलो जी दोस्तों, हमने कौन कौन से ख़तरनाक और जो है ना मुश्किल तरीन रास्ते तय करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। बड़ी खुशी की बात ये, मैं भी ये जगह ना देखता अगर मुझे ये टूरिज़म पुलिस जो है ना मिलता मज़र भाई। और उससे बड़ी बात ये कि मुझे नहीं पता था, अभी मुझे पता ना, साथ ये मेरे गांव का भी है, मर्दान का भी है, ठीक है, इसी वजह से मुझे इस मेड़ो का पता चला और हम वहाँ पर चले। वैसे काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन उनको मेड़ो का नहीं पता ना, ऐसे ही मेड़ो का नहीं पता, यहाँ से गुजर के चले जाते हैं, यहाँ पर चाय वगैरह पी के चले जाते हैं लेकिन आगे नहीं जाते। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें, तो इंशाल्लाह आते रहेंगे और जो भी आए तो इनको ज़रा गाइड भी किया करें यार, आप ज़रा आगे भी जाए, ठीक है। और आप लोगों को चाहिए कि आप अपने ऑफिसर से बात करें कि उधर भी ज़रा पुलिस तैनात करें क्योंकि फैमिली के साथ लोग डर के नहीं जाते, लेकिन जगह बहुत सेफ है, इन्होंने मतलब वहाँ पर बाड़ वगैरह सब कुछ लगाए हुए, लेकिन आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर एक दो पुलिस हो, लाजमी जाते आप लोग, अच्छा चक्कर लगाते, लेकिन परमानेंट वहाँ पर एक दो बंदे होने चाहिए ताकि लोग जो है ना सुकून के साथ, ठीक है, शुक्रिया जी। भाइयों जब आप गलियात आए ना, तो ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, आई लव गलियात का लगा हुआ है, चीता पॉइंट है, आपने ये साथ जो है ना ये होटल्स वोटल्स बने हुए हैं, ठीक है, चीता पॉइंट के साथ आप लोगों ने यहाँ से एंटर होना है, बादल ही बादल हैं, जब आप यहाँ से एंटर हो गए तो आपने सीधा आगे की तरफ जाना है। अभी आप हमारे साथ रहिए, आपको उस पॉइंट पर लेके जाता है मेंढो बना हुआ है भाई, इंजॉय कीजिए ज़िंदगी को, जब यहाँ तक आए हो तो फिर ज़रूर आगे जाइए क्योंकि लोग यहाँ तक आते लेकिन ऊपर नहीं जाते, ऊपर जब नहीं आते कह रहे यार मज़ा ही नहीं आया, मज़ा तब आएगा जब आप लोग ऊपर जाओगे। खुद का मतलब पकाए तो कैसे, बहुत मज़ा आया दोस्तों। आप खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके में ज़रूर चक, मरी तो आप जाते होंगे ना, मरी से थोड़ा सा आगे आप ज़रूर आए गलियात की जानेब, इंशाल्लाह आप नाउमीद नहीं होंगे, ऐसी जगह है ना कि आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। ऊपर लेके चलते हैं आपको, ठीक है, उस पॉइंट पर लेके चलते हैं ना, आपको दिखाते हैं बड़ा बेहतरीन जगह है। और यहाँ पर तो भाई इन्होंने तो जो हद कर दिया, ठीक है, ये तो अपने साथ जो है ना देसी मुर्गियाँ जो है ना जिंदा लेके आए, ठीक है, उसी टाइम से भाग करके जो है ना प्रोग्राम करे, सिंध से आए हुए ये दोस्त। तो अभी ऊपर लेके चलते हैं, लेकिन आप लोगों से भी इल्तिजा है भाई, कभी भी आप लोग ऐसे मतलब ये पॉइंट पे आए ना तो आपने दरख्तों के करीब जो है ना आग नहीं लगानी, ठीक है, बड़ा एहतियात करना पड़ता है क्योंकि ये दरख्त जो है ना ये ज़िंदगी है, और जैसे आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखते हो ना इसी का ख्याल रखो, इसी से हमारी जो है ना ज़िंदगी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपने किसी ऐसे पॉइंट के इंतखाब कर रहे हैं, वैसे ऐसे ये इधर ही काए पकाए, ठीक है, लेकिन ये है कि हैर लगना होगा आपको। अभी जैसे हम जो है ना आगे आगे जा रहे हैं ना, आपने दरख्तों से बल्कि कोशिश करें पत्थरों के दरमियान जो है ना काए पकाए, ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आप मौसम का अंदाज़ा खुद लगाए, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पे आप लोगों ने ये एहतियात करना है। इन दिनों तो नहीं होता, सर्दियों में चीते बहुत होते हैं, इन दिनों में बंदर बहुत ज़्यादा है, बंदरों का ख्याल रखना है, एक दो बंदे हो और साथ जो है ना डंडा शंडा लाजमी हो क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, हमला किसी भी टाइम हो सकता है। तो ये बहुत दूर तक, अभी हम आगे जा रहे हैं, आपको दिखा रहे, सांस फूल गया, अल्लाह अकबर, लियाकत पता नहीं कितना गायब हो गया, उसने तो मुझे अकेले छोड़ दिया, मैं तो अपने वीडियो के बनाने के चक्कर में काफ़ी तेज़ निकल गया और उसका पता नहीं किधर है। तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरफ आप लोगों ने ज़रूर आना है, आवाज़ उनकी आ रही है, वो नज़र नहीं आ रहा है, ओ है काफ़ी, ओ धुन में आप वो दूर देख रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लगा। ऊपर कुछ दोस्त गए हुए ना, उस पर प्रोग्राम किए, लेकिन आग का बड़ा ख्याल रखना है यहाँ पे आप लोगों ने, क्योंकि ये दरख्त जो है ना ये बड़े कीमती हैं भाई, 70-70, 80-80, 100-100 साल उससे भी ऊपर जो है ना उनकी उम्र है कुछ दरख्तों की, तो ये कीमती एहसास है हमारा, इनका बड़ा ख्याल रखना होगा। कुछ लोग मरगला हिल्स वाले, आप लोगों को पता है मरगला हिल्स पे जो है ना पिछले 3-4 महीने पहले के तकरीबन किसी बदबख्त ने आग लगाई थी, पता नहीं कौन था। पॉइंट की तरफ आपको लेके चलते हैं आगे भाइयों, और ये लो जी, ये लो जी
بڑا یار آ گیا جی, پہنچ گیا جی. مجھے کافی ڈر لگتا ہے بندروں سے, اس لیے اکیلے میں نہیں جاتا نا, تو اس لیے میں اس کا انتظار کیا. یہ دیکھو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر یہاں سے کوئی گر گیا جی, ہو اللہ نہ کرے. چلو جی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں, تقریباً 7 منٹ راستہ ہے یہاں سے, ٹھیک ہے. یہ بھائی اسنیل ہے, دیکھ رہے, یہ بھی خود بخود بایو میں اس کے بارے میں پڑھا تھا میٹرک میں, پھر اس کے بعد ہاں ایف ایس سی میں بھی, ایف ایس سی بایو میں نے کیا تھا نا, پری میڈیکل. بہت الٹا ہو گیا, بہت بڑا اسنیل ہے یار, ڈر بھی لگتا ہے, کاٹتا تو نہیں ویسے ہمیں ڈر لگتا ہے. چلو جی یار, لیاقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ چشمہ وغیرہ بھی ہے, یہ دیکھ رہے ہو. ہاں ادھر تھوڑا بہت پانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں نا یہاں, تو بارش ہوئی ہے تو صرف یہ جگہ گناہگار ہے, باقی جگہ تو صحیح ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو یار, میرے موبائل پر فلٹر لگا ہے. اب لیاقت کی طبیعت جو ہے نا بچوں والے جیسے, کہہ رہے گیا یہ کدھر جنگل میں مجھے لے کے جا رہے تھے, تو کچھ بھی نہیں ہے, یہی سب کچھ ہوتے ہیں, جھولے نہیں ہوتے ہیں یہاں پر. یہاں پر آپ کو جو ہے نا نیچر کا مزہ لینا ہوتا ہے, نیچر کو انجوائے کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ راستہ جا رہا ہے اور ہم بھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں, نہ ہمیں کسی نے کچھ بتایا ہے, نہ ہمیں کسی نے کوئی گائیڈ کیا ہے, لیکن ہم اسی راستے کو صرف فالو کر رہے ہیں کہ واقعی یہاں سے کوئی گزر رہا ہے, اور مسلسل لوگ یہاں سے گزرتے ہیں, ایسے ہی لگتا ہے, تو کیونکہ جوتوں کے نشان وغیرہ بھی ہے, تو ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, واللہ عالم آگے کیا ہے کیا نہیں ہے مجھے نہیں علم. یہ آگے باڑھ بھی لگا ہوا ہے, جنگل کے باڑھ لگے ہوئے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرف نہیں جانا, کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ, خود دیکھ لیجئے, یہ نظارہ دیکھ لیجئے, یہ بیک سائڈ پہ دیکھ رہے ہو لیاقت بھی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی آگے مسلسل یہ ہم اس راستے کو فالو کر رہے ہیں, لیکن یقین کیجئے ہمیں بذات خود نہیں پتہ کہ آگے کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن صرف بس اللہ بہتر جانتے ہیں. آگے چلتے ہیں, دیکھ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی نکل آئے گا, کیونکہ راستہ جب جا رہا ہے تو راستہ ویسے نہیں بنتا, لازمی اس پہ لوگوں نے پیدل سفر کیا ہوا ہے. یہ سارے جو ہے نا بھائی, یہاں پر یہ باڑھ لگی ہوئی ہے. او آخر کار آ گئے جی, یہاں پر یہ باڑھ لگا ہوا ہے, اور صرف ہم ہی ہیں یہاں پر, اور کوئی نہیں ہے. رب ایک, رفیزہ ایک, میں اور ایک میرا دوست, بس جی. یہ لو یہاں پر مطلب یہ کہ بہت سے جو ہے ٹورسٹ آئے ہوئے, جس طرح کہ آپ دیکھ رہے, اور انہوں نے اس قدرتی حسن کو تباہ کیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ کس سائڈ پہ بیٹھ کے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جس سے جو ہے نا نیچے ماحول خراب نہ ہو.